चौहटन सीमावर्ती क्षेत्र में बाहरी जिले व प्रदेशों के लोगों के लिए प्रतिबंधित होने के बावजूद इस क्षेत्र में हजारों बाहरी प्रदेशों के लोग निवास कर रहे हैं, जिसके बारे में पुलिस और प्रशासन भी अनभिज्ञ बना हुआ है। बाहरी लोगों में से कई लोग संदिग्ध भी हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन स्तर पर इनका सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के चलते कई संदिग्ध इसका फायदा भी उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के कानून के अनुसार जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के किसवाड़ में दिल्ली से NH-65 निकलता है, इस नेशनल हाईवे 65 से पश्चिम में कोई भी बाढ़ में इस पश्चिमी क्षेत्र से बाहर का नागरिक आकर नहीं रह सकता, नहीं रुक सकता। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में हालात ये हैं कि बाहरी राज्यों से अनेकों लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं तथा यहाँ पर आकर बसने के साथ साथ उन्होंने यहाँ के मूल निवास आधार आदि भी बना लिए हैं। ये एक हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा ये हमारा क्षेत्र चौहटन और इसके आसपास के क्षेत्रों में बाहरी राज्यों और बाहरी जिलों से आने वाले लोगों की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जांच के पश्चात ही उन्हें यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ रह रहे लोगों की जाँच नहीं हो रही है और इस कारण से हमारी सुरक्षा में कभी भी सेंध पहुँच सकती है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस सभी को एक बार जागरूक होकर एक्टिव होकर काम करना होगा, तभी इनकी पूर्ण रूप से जांच हो पाएगी और जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण जनों द्वारा भी उन्हें बिना कुछ पूछे बिना कुछ उनका जांच किए उन्हें कमरे दे दिए जाते हैं, रूम दे दिए जाते हैं। और अभी तुरंत ही एक घटना घटी है जहाँ पर एक अपने दूसरे नाम से उस व्यक्ति ने आधार कार्ड बना लिया, यहाँ रहने लगा तथा बाद में जब जाँच में पता चलता है तो वो किसी और नाम का निकलता है। इस प्रकार के अनेकों हथकंडे अपना कर बाहर से आए हुए लोग यहाँ रह रहे हैं, उन पर जांच और कार्रवाई होना आवश्यक है। सुरक्षा के लिहाज से ये बाहरी नागरिक इस सरहदी क्षेत्र के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही चौहटन में राजू बनकर रह रहे फलोदी के इमामुद्दीन का मामला भी सामने आ चुका है। चौहटन कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आकर बसे हजारों प्रदेशी बसे हैं, जबकि सरहदी पुलिस थाना क्षेत्रों को विशेष अधिनियम में प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है। चौहटन, बीजराड़, सेड़वा, बाखासर, गडरा रोड और रामसर थाना क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित हैं। सक्षम प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति के बगैर इस इलाके में बाहरी नागरिक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक निश्चित अवधि के लिए ही आने जाने की अनुमति दी जा सकती है। बावजूद इसके बिना परमिशन सैकड़ों प्रदेशी इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनमें से कई लोगों ने तो गुपचुप तरीके से अपने मूल निवास बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। चौहटन कस्बा ये प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अभी दिनों में ऐसी सूचना में आई है कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन रह रहे हैं। हमारे ध्यान में से प्रकरण नहीं आए, फिर भी हमने सभी हमारे लेवल से संबंधित पुलिस थानों को, तहसीलदारों को और जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि अपने ध्यान गहन अवलोकन करके जाँच करके ऐसा कहीं भी प्रकरण ध्यान में आता है तो वो रिपोर्ट करें ताकि उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और आम जन से भी हमारी अपील है कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके ध्यान में हो तो हमें सूचित करें ताकि हम उनकी जांच करवा के नियमानुसार उनके खिलाफ जो भी हो सके कार्रवाई करवा सके। तो आपकी सेवा की हमें अपील करते हैं कि आप जहां भी आसपास आम नागरिकों के ध्यान में ऐसा प्रकरण हो तो हमें सूचित करावें। पश्चिमी राजस्थान में जो हम सीमावर्ती एरिया में रहते हैं ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के लिए पहले उपखंड अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाके यहाँ अगर व्यवसाय करता है या अगर यहाँ आने के लिए भी उसको परमिशन लेने की बहुत ज़रूरत है। सीमावर्ती क्षेत्र एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है। इस संवेदनशील एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी, बिहार आदि कई इलाके से लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई धंधा करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ रूप बदल के भी बैठे हैं। अगर इसको या तो सही तरीके से पूर्णतः लागू किया जाए, जो बाहर का बंदा कोई परमिशन लेके रहता है तो प्रशासन की नज़र में भी रहता है कि यहाँ पे कोई बाहर का बंदा है, कल कोई भी
अप्रिय घटना होती है या कोई भी यहाँ चोरी होती है, कोई वारदात होती है, तो अगर परमिशन लिए हुए लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो पकड़ में आते हैं। अगर बिना परमिशन के लोग होते हैं तो यहाँ हम आए दिन देखते हैं इतनी चोरियाँ होती है, इतनी वारदातें होती है। वो अगर प्रशासन अगर परमिशन दे के करता है तो ये जो है इस अपराध पे एक सिकंदर कसा जा सकता है। और आखिर बिना जांच पड़ताल कैसे बन जाते हैं मूल निवास और आधार कार्ड, यह जांच पड़ताल के विषय हैं। इसमें स्थानीय लोगों की मिलीभगत होने का भी संदेह है। बहरहाल चौहटन और सेड़वा उपखंड का सरहदी इलाका प्रतिबंधित होने के बावजूद यहां बिना अनुमति के सैकड़ों परदेशी बसे हैं, जो सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से किसी बड़े खतरे से कम नहीं है।